सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सेलिब्रिटी प्रोफाइल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मैं आपको बताने वाली हूँ रतन टाटा का जीवन परिचय। रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति और महादानवीर हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के कोलाबा में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा है। 1948 में उनके माता पिता नवल और सोनू अलग हो गए थे। तब रतन और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम नोएल टाटा है। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई है। रतन की माध्यमिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से हुई है। इसके बाद उन्होंने 1955 में न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएट किया। फिर उन्होंने 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। सन 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। सन 1962 में रतन को अमेरिका में एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया, लेकिन उस वक्त भारत चीन युद्ध चल रहा था। उस वक्त रतन टाटा भारत आ गए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका युद्ध के चलते नहीं आ सकी। आखिर में उनकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। रतन को अपने जीवन में 4 बार प्यार हुआ, लेकिन चारों बार किसी न किसी वजह से दूल्हा बनते बनते रह गए। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया, एक कंपनी जो कि अधिक वित्तीय कठिनाई की स्थिति में थी। रतन ने सुझाव दिया कि कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में निवेश करना चाहिए। जेआरडी नेल्को के ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन की वजह से अनिच्छुक थे, क्योंकि इसने पहले कभी नियमित रूप से लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा जब रतन ने कार्यभार संभाला, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को की बाजार में हिस्सेदारी 2% थी और घाटा बिक्री का 40% था, फिर भी जेआरडी ने रतन के सुझाव का अनुसरण किया। सन 1975 में रतन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया था और उसी साल नेल्को ने अपनी बाजार में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ा ली और अपना घाटा भी पूरा कर लिया। लेकिन उसी साल 1975 में इंदिरा नेहरू के आपातकाल की वजह से आर्थिक मंदी आ गई। इसके बाद सन 1977 में टाटा ने यूनियन की हड़ताल का सामना किया, 7 माह के लिए तालाबंदी कर दी गई। रतन ने हमेशा नेल्को की मौलिक दृढ़ता में विश्वास रखा, लेकिन उद्योग आगे और न रह सका। सन 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद रतन को टाटा नियंत्रित इम्प्रेस नाम की एक कपड़ा मिल सौंपी गई। यह टाटा समूह की बीमार इकाइयों में से एक थी। रतन ने इसे संभाला और सफलता की ओर बढ़ाने लगे, लेकिन कुछ समय बाद इम्प्रेस को भारी नुकसान होने लगा। बॉम्बे हाउस और टाटा मुख्यालय अन्य ग्रुप कंपनियों से फंड को हटाकर ऐसे उपक्रम में लगाने का इच्छुक नहीं था जिसे लंबे समय तक देखभाल की आवश्यकता हो। सन 1986 में इम्प्रेस मिल को बंद कर दिया गया। रतन इस फैसले से बेहद निराश थे और बाद में उन्होंने दावा किया कि इम्प्रेस मिल जारी रखने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए की जरूरत थी। सन 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन टाटा ने पुराने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और युवाओं को जिम्मेदारियां दी। तब से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप के आकार को ही बदल दिया है, जो आज भारतीय शेयर बाजार में किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने रतन के संकल्पित टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। सन 2000 में भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण द्वारा सम्मानित किया। फरवरी 2000 में ब्रिटेन की टेटली को 1870 करोड़ रुपए में खरीदा।
अक्टूबर 2005 में $32 मिलियन में गुड अर्थ क्राप का अधिग्रहण किया। ब्रिटेन के INCAT इंटरनेशनल को 411 करोड़ रुपए में खरीदा। सिडनी स्थित कंपनी FNS को अधिग्रहित किया। 21 जनवरी 2007 को रतन ने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कम बजट की नैनो कार बाजार में उतारी। जिस बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान किया था, बाद में रतन ने उस अपमान का बदला उसकी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर लिया। इसके अलावा टाटा समूह ने रतन के नेतृत्व में कई खरीदारियां की और कई प्रोडक्ट बाजार में उतारे। रतन टाटा भारतीय व्यापार जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी शक्तियों को त्याग दिया। 75 वर्ष की उम्र में रतन ने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 24 अक्टूबर 2016 को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया और रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा कई कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक भी हैं। रतन टाटा बहुत ही शर्मीले व्यक्ति हैं, समाज की झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते हैं। वह कोलाबा के एक बैचलर फ्लैट में रहते हैं। रतन टाटा को जानवरों से बेहद लगाव है। आदर्शवादी और संस्कारी रतन टाटा पारसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। शर्मीले स्वभाव के रतन टाटा एक महादानवीर भी हैं। लोगों की मदद के लिए वह हर समय खड़े रहते हैं। दान तो बहुत से अमीर लोग करते हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा महादानवीर कोई नहीं है। दुनिया आज कोरोना वायरस से जूझ रही है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रतन टाटा ने सबसे ज्यादा दान दिया है। सेलिब्रिटी प्रोफाइल रतन टाटा की महानता को नमन करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।